अब हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल की। एडवांस एक्सेल तो अब बात हम समझेंगे कि एक्सेल और एडवांस एक्सेल में क्या डिफरेंस है। अब कुछ लोगों के पास कंफ्यूजन होता है कि एडवांस एक्सेल में कोई अलग टॉपिक होगा, कुछ अलग कमांड होगा, कुछ अलग सॉफ्टवेयर होगा। या कुछ लोग ये भी समझते हैं कि एडवांस एक्सेल का मतलब है वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, माइक्रो सीख लो मतलब कि आपने एडवांस एक्सेल सीख लिया। ये दोनों चीजें गलत है। टॉपिक वही है जो हम आप यूज करते हैं। एडवांस का पर्पस हुआ कि हम इसको मतलब कि इसको ट्रिकी यूज या एडवांस लेवल, एक अलग लेवल पे यूज करें, वो एडवांस एक्सेल कहलाता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारे पास यहां पे 20 है, यहां पे 30 है। आपने 20 को कॉपी किया, 30 पे पेस्ट कर दिया, तो 20 रिप्लेस बाय 30। लेकिन अगर मैं इसी में पेस्ट स्पेशल में गए और पेस्ट स्पेशल में मैं यहां पे किया ऑपरेशन में ऐड, तो क्या होगा कि 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और उसका रिजल्ट 50 यहां ऐड होगा। दिस इज द एक्सेल या बेसिक एक्सेल कर दीजिए, मतलब कि एक ट्रेनर जो है वो आपको इतना ही सिखाएगा, वो बताएगा कि फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कैसे अप्लाई होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेसिक एक्सेल। अब एडवांस की बात करें तो एडवांस में अगर मैं यहीं पे आऊं, एडवांस में अब इसका एडवांस का यूज करेंगे। अब मैं मुझे इस टॉपिक को पढ़ाना है तो मैं कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले समझाऊंगा मैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या है एक्सेल में, जैसे मुझे परसेंटेज टाइप करने हैं तो 20% मतलब 20 लिखा, परसेंट का सैंपल दिया, 20% आ गया। लेकिन अगर आपने 20 लिख के एंटर मारा, बाद में कर्सर सेलेक्ट करके अगर परसेंटेज का सैंपल दिया तो हो जाएगा 2000%, क्योंकि एक्सेल में 1=100% होता है। तो मुझे अगर परसेंटेज का सैंपल बाद में लगाना है तो 0.20 लिखूंगा और यहाँ पे परसेंटेज का सैंपल होगा। अब यही भी एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा कि मेरे पास मेरे कलीग डेटा भेजते हैं, डेटा उनका परसेंटेज होता है लेकिन वो नंबर फॉर्मेट में मुझे भेज देते हैं। उनका डेटा हजारों में होता है, फिलहाल तो मैंने छोटा रखा है, ये हजारों में डेटा होता है। अब उनके हिसाब से ये जो है 37% है, लेकिन जहां मुझे मान लीजिए 500 का 37% चाहिए, तो अगर 37% फॉर्मेट में होगा तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन ये आपका 37 इन द नंबर फॉर्मेट में होगा तो मुझे इसको डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100 करना होगा। अब दोनों अलग फॉर्मूले हैं। अब प्रॉब्लम है कि मेरे 10 लोगों से डेटा आता है, अब 9 लोग मुझे डेटा ठीक भेजते हैं, एक जो है गड़बड़ भेज देता है, एक जो है हमारे के लिए वो इस तरह का डेटा भेज देते हैं। अब उनके एक के लिए हम अपना फॉर्मूला थोड़ी चेंज करेंगे क्या? और इस फॉर्मूले और ये फॉर्मूले और भी बहुत सारे जगहों पर लगा हुआ है, अगर मैंने इसको हिलाया तो पूरा फॉर्मूला हिल जाएगा मान लीजिए। तो मुझे अपने डेटा में इसको यूज करने से पहले यहीं पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, मतलब कि 30 जो है यहाँ 30% इस तरह से आना चाहिए। अब यहीं पे प्रॉब्लम है कि 8-10 हजार का डेटा है, अब एक एक करके मैं इस तरह का परसेंटेज सैंपल लगाते जाऊंगा तो मुझे लग रहा है 1-2 दिन लग जाएगा। तो यहीं पे हम अपनी इस स्किल्स को, ये जो स्किल्स है इसको अपनाएंगे। क्या करेंगे कि किसी एक जगह पे हम 100 लिखेंगे, उस 100 को कॉपी करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और ये हो जाता है डिवाइड। क्या हो गया? डिवाइड। हर नंबर को जब 100 से डिवाइड करेंगे सारा नंबर डेसिमल में आ जाएगा, और जब इसे परसेंटेज सिंबल लगाएंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? हां हां। तो हमने सेम फीचर अप्लाई इस सीट पे भी किया था, बट इसमें क्या था, जिस मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको कि हाँ ये फंक्शन ऐसे यूज होता है और ये रिजल्ट देता है, और जब इसको एक रियल टाइम प्रॉब्लम में हम आपको एक्सप्लेन किया तो आपने जाना कि इस फंक्शन से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं।
अगर हम सीट 5 के दिए गए एग्जांपल के पे लेके चले तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, या हमें डिवाइड करना, कॉपी पेस्ट करते समय डिवाइड और सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई एडिशन क्यों करना होता है, ग्रुप तो नहीं है, आप इसको भूल जाओगे। ठीक, लेकिन जो ये आपको सिक्स में एग्जांपल दिया ये आप नहीं भूल पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो मैंने स्टोरी बताई, जो मैंने तरीका बताया, दिस इज द रियल टाइम तरीका, रियल टाइम प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो मेरे हिसाब से दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एडवांस एक्शन, बहुत ही छोटा एग्जांपल समझ लीजिए, शुरुआती एग्जांपल समझ लीजिए, लेकिन एडवांस एक्शन इट मींस नॉट ए एडवांस फीचर्स, हम फीचर्स को एडवांस तरीके से रियल टाइम प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन करने के तरीके से अप्लाई करें, दैट कॉल एडवांस एक्शन। एडवांस एक्शन ले नहीं कि हम वी लुकअप, आपको बहुत सारे वी लुकअप तीन चार तरीके से लगा के बता दिए, दिस इज द एडवांस एक्शन, नहीं। एडवांस एक्शन का मतलब ये है कि आप वी लुकअप को कई सारे रियल टाइम प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंट करके बताएं कि अगर वी लुकअप आप ना लगाते तो आपको ये काम घंटों में करना पड़ता, वी लुकअप आपको इसको इजिली कर दे रहा है। सिंपल वी लुकअप से काम होने वाला नहीं था, इस वी लुकअप में आप अगर इस तरह का ट्रिक्स ऐड करेंगे तो आपका वी लुकअप आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, दिस इज द एडवांस। और हमारी क्लासेस में आपको इसी तरह के सारे एग्जांपल सीखने को मिलेगा। अब बोलेंगे सर पहले ही क्लास में मुझे एक चीज क्यों बता रहे हैं, ऐसा ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आप माइंड मेकअप कर लें कि हमने फीचर्स के बारे में समझा दिया कि कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, बॉर्डर कैसे लगता है, ये एडवांस एक्सेल का पार्ट नहीं है। हम बॉर्डर की ही बात करते हैं, बोले सर बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर में आप क्या पढ़ाएंगे, हमने बॉर्डर से अप्लाई कर दिया, बॉर्डर बन गया। लेकिन इसकी भी अगर ट्रिक्स निकाला जाए तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, राइट, अब इसमें से कुछ नंबर्स गलत है और मुझे बताना है कि नंबर गलत है, तो बहुत सारे लोग इसके आगे रिमार्क्स लिख देंगे, कुछ लोग इसको कलर कर देंगे, लेकिन देखने वाला उसको एग्जैक्टली समझ नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है, हर कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया, मैंने इसमें बॉर्डर में गए, कलर मैंने रेड ले लिया, ए ले लिया, अब क्या लग रहा है, ये बाकी नहीं हो रही है, मतलब 85, 25, 32 इज द रॉन्ग डेटा। अब जिसको किसी को भेजोगे वो देख के समझ जाएगा यार यहाँ पे गलती हो गई है, सर ने काट दिया है क्या, क्योंकि हम बचपन से ही, हम नर्सरी या यूकेजी से ही इस काटने को गलत समझ रहे हैं, अपने कॉपी में कटा तो गलत हो गया, लेकिन हम बॉर्डर का इस तरह का यूज भी कर सकते हैं क्या, करेक्ट। तो इसलिए एक हमारी क्लासेस में आपको इसी तरह की चीजें बताई जाएंगी, ट्रिक्स मैंने मतलब है जो हम रियल टाइम में यूज करते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो ट्रिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।